everyone, welcome to Techno Herald. So today we are going to discuss a new lecture on concept series. आपको पता होगा हमारा concept series नाम से एक series चल रहा है जिसमें हम एक conceptual topic को discuss करते हैं या फिर एक question को discuss करते हैं जो कि बहुत ही conceptual हो. तो जैसा कि आप लोग thumbnail में देखे होंगे, आज का जो topic है it is mentioned for all branches. सो आज का जो टॉपिक है वो हर एक ब्रांचेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो. ओके, तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सबको पढ़ना होगा? तो आप लोगों को पता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है वो सारे ब्रांचेस को पढ़ना है. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल को पढ़ना है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वालों को तो पढ़ना ही है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द ब्रांचेज. सो आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ पीएन जंक्शन. और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप आज का लेक्चर पीएन जंक्शन कंप्लीट कीजिएगा तो आपके पीएन जंक्शन में एक डीप इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा. आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे. आपको आपका जो आइडिया होगा, आपके पास जो भी आपने पहले से पढ़ के रखा होगा पीएन जंक्शन के बारे में, वो आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा. और आपके कोई भी डाउट होंगे तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन. ओके, तो आज हम लोग पीएन जंक्शन के बारे में जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से समथिंग कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये लेक्चर यूजफुल है, तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स. क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो उतने ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं दूसरे के साथ शेयर कर दूँ तो वो भी पढ़ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा इससे, एंड इसका आपको भी कहीं ना कहीं ये फ़ायदा होगा. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन, सो प्लीज़ पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड ड्रॉप अ लाइक, एज योर लाइक एंड कमेंट आर आवर ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन. आपके लाइक्स एंड कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी तरह और भी वीडियोज़, कंसेप्चुअल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और आपके नॉलेज को बूस्ट करते रहें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट सीरीज में? आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो चैप्टर उसका नाम है, जो बेसिक पॉइंट या आप बोल सकते हैं कंसेप्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पीएन जंक्शन. ओके, पीएन जंक्शन आपको पता है पीएन जंक्शन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है. और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हर एक ब्रांच के स्टूडेंट को थर्ड सेमेस्टर में या किसी को फोर्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, चाहे वो मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, इनफैक्ट सिविल का स्टूडेंट हो, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का स्टूडेंट हो, ट्रिपल ई का स्टूडेंट हो या सीएसआईटी का स्टूडेंट हो, सबको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है. और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे जो पहला पॉइंट कंसेप्ट आता है वो आता है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में. तो हम लोग पूरा पीएन जंक्शन डायोड नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड का डिस्कस करेंगे. और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हम लोग मैं ट्राई करूंगा कि पीएन जंक्शन में नेक्स्ट वीडियोज भी लेके आऊँ और पीएन जंक्शन की पूरी एक सीरीज बनाऊँ. अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि यू रियली लाइक दिस सेशन एंड आपको इसी तरह के और वीडियोज़ चाहिए. तो आपको अगर इस पीएन जंक्शन सीरीज पे और क्वेश्चंस चाहिए या फिर और लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर पीएन जंक्शन. ओके, सो पीएन जंक्शन आपको पता होगा पीएन जंक्शन क्या होता है, दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ होता है. मेरे हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा. हर एक पॉइंट के अंदर ही एक कंसेप्ट है. हम लोग ने क्या बोला कि पीएन जंक्शन क्या बना, कि दो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से बना होता है. अब सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है. इंट्रिंसिक बेसिकली प्योर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर टाइप के. तो एक्सट्रिंसिक में दो टाइप होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप. ओके, तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है. पी टाइप में मेजोरिटी होल्स होते हैं एंड एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर है? तो ये बेसिकली दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ होता है पीएन जंक्शन. तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है,
आई होप ये आपको विजिबल हो, पी एंड ये हमारा क्या है एन टाइप, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड बनाया है तो बीच में जंक्शन क्रिएट होता है। जंक्शन कैसे क्रिएट होता है, यहाँ देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी होल्स होते हैं एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होल्स क्या करेगा, इधर होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इधर अगर हम लोग होल्स के लिए डिस्कस करें तो इधर होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर होल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो होल्स क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन होल इधर जाने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा। ओके, होल एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। होल एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो जब होल एंड इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे ना, तो यहां एक जंक्शन बन जाएगा। ओके, तो ये जंक्शन, अब ये जंक्शन कैसे बनता है, इसमें ये खुद ही एक इसमें खुद ही एक घंटे का लेक्चर बन सकता है कि ये जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। अगर आपको इस पर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जानना है कि ये जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। तो फिलहाल के लिए हमारा वो आज का टॉपिक उस पर नहीं है कि ये जंक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है। आज हम लोग सिंपल आते हैं कि ये जंक्शन फॉर्म हुआ, क्योंकि अगर मैं ये बताना चाहूँ कि ये जंक्शन कैसे फॉर्म होता है तो इसमें खुद एक घंटे का लेक्चर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या करते हैं, जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो इधर नेगेटिव आ जाते हैं चार्जेस, ओके, और इधर पॉजिटिव आ जाते हैं। क्लियर है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। क्लियर है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। अब इधर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इधर जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसे हम लोग इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ और जिसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास जो क्रिएट हुई, ओके, जो ये बिल्डिंग डिप्लेशन विड्थ के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इधर से इधर होगा। ओके, तो अब हमें पता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, हम अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें और एक बार एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो हमें पता पी टाइप में क्या होता है, फर्मी लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल क्या होता है, वैलेंस बैंड के करीब होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है। क्लियर है, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है। अब ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्यों फर्मी लेवल इसमें वैलेंस बैंड के करीब होता है और इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड के करीब होता है। क्यों वैलेंस बैंड के करीब होता है फर्मी लेवल पी टाइप में और एन टाइप में कंडक्शन बैंड के करीब होता है, तो ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो ये हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। ओके, तो आज हम लोग अगर बात करें तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो जो हमारा फर्मी लेवल होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ पे होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड के करीब होगा। ओके, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये इसी है और ये ई भी है। ओके, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर एक ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता देता हूँ इतने अच्छे वे में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इतने अच्छे वे में इस टॉपिक को कोई नहीं कवर करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के करीब है, इसमें जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के करीब होगा। इसमें जो बैलेंस बैंड है ये कंडक्शन बैंड के करीब होगा। ओके,
तो इसमें जो बैलेंस फर्मी लेवल है, इसमें जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के करीब होगा। इसमें जो फर्मी लेवल है वो कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के करीब होगा। तो जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फर्मी लेवल ना एक ही हाइट पे रहेगा। ओके, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो फर्मी लेवल होगा वो एक ही हाइट पे रहेगा। एक ही हाइट पे रहेगा मीन्स ये दोनों लाइन क्या होगा, एक लाइन बन जाएगा। ये दोनों लाइन जब हम दोनों इन दोनों को मर्ज कर देंगे पी टाइप और एन टाइप को, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक लाइन पे आ जाएगा और ये नीचे शिफ्ट कर जाएगा और ये भी नीचे शिफ्ट कर जाएगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, अगर हम लोग यहां से बनाएं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्मी लेवल हो जाएगा। और क्योंकि ये एन टाइप है, क्या ये एन टाइप है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वैलेंस प्रेजेंट होगा। ये वैलेंस प्रेजेंट होगा और ये हमारा क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड है। ओके, क्योंकि ये पी टाइप है, पी टाइप में क्या होता है, फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के करीब होता है। ओके, फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के करीब होता है। और जो इधर एन टाइप है, तो एन टाइप में क्या होता है, कंडक्शन बैंड के करीब होता है क्या, फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल कहाँ आ गया, कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड कहाँ गया, फर्मी लेवल के करीब। और जो वैलेंस बैंड होता है वो नीचे होता है, तो ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया। ई भी हमारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कंडक्शन बैंड, ये EF। ओके, अब देखिए ये क्या हो गया, ये कंडक्शन बैंड को डिनोट कर रहा है, ये वैलेंस बैंड को, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। तो फर्मी लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है, किसके, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एंड फर्मी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है, किसके, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, वैलेंस बैंड के नीचे होल्स प्रेजेंट होते हैं मेजोरिटी अमाउंट में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने पहले भी बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में क्या होता है, मेजोरिटी में होल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो वैलेंस बैंड के नीचे रहता है होल्स। और माइनॉरिटी में क्या रहता है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एक या दो। लेकिन क्या होता है, फर्मी लेवल में क्या होगा, इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जिसके ऑपोजिट हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। नीचे क्या रहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके, क्योंकि कंडक्शन बैंड के ऊपर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ लेस अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, होल्स, लेस अमाउंट ऑफ होल्स रहेगा। अब देखिए, अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग होल्स को एक मार्बल से डिनोट कर लीजिए। हम लोग मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन को मार्बल से डिनोट कर लेते हैं। मार्बल एंड होल को क्या से डिनोट कर लेते हैं, बलून से। ओके, होल्स को मार्बल, इलेक्ट्रॉन को मार्बल मान लेते हैं, एंड होल्स को क्या मान लेते हैं, बलून मान लेते हैं। ओके, बलून मान लेते हैं। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रखा हम लोगों ने, तो इलेक्ट्रॉन रखा तो वो किधर गिरेगा। अगर हम लोग ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, इलेक्ट्रॉन को मार्बल समझ लिया, यहाँ पे एक मार्बल रखा, तो ये मार्बल क्या आएगा, ये मार्बल इधर आ जाएगा, ये मार्बल क्या आएगा, नीचे डायरेक्शन में गिरेगा, क्योंकि मार्बल का वेट कम होता है। और वहीं पे अगर यहाँ पे होल रखा, तो होल क्या है, होल को हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट किया, मतलब समझने के लिए, होल को हम लोग ने बलून से समझा, तो बलून ऊपर जाता है, उसमें हाइड्रोजन गैस मान लेते भरा हुआ, तो बलून ऊपर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा, होल इधर आ रहा, इससे भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर से इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो के ऑपोजिट में। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो के ऑपोजिट में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करेगा। ओके, तो ये हम लोग ने क्या समझा, ये हमारा था वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का कंसेप्ट। अब हम लोग इसे हटाते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो
हम लोग क्या मान लेते हैं, ये जो पूरा हमारा है ना, इसे हम लोग डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं, डब्लू, इसे हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं, ओके। और इस वाले पॉइंट को बोल लेते हैं कि डिप्लेशन विड्थ जितना पी में है तो उसे हम लोग एक्स पी से डिनोट करते हैं, तो इसे अगर हम लोग रिफरेंस जीरो माने तो ये माइनस एक्स पी हो जाएगा नेगेटिव में, और इसे क्या से डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ एन से, ओके, इसे एक्स ऑफ एन से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा डब्लू होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डब्लू होता है वो क्या होता है, डब्लू इक्वल्स टू होता है एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ पी, ओके, डब्लू इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ पी। ध्यान से सुनते जाइए, बस आपका सारा कंसेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा। जो टोटल डिप्लेशन विड्थ है, टोटल डिप्लेशन विड्थ क्या होगा, एक्स पी और एक्सएन के, एक्सएन के सम होगा ना, एक्स पी और एक्सएन का सम होगा जो टोटल डिप्लेशन विड्थ है, ओके, ये क्या होगा, एक्स पी और एक्सएन का सम होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग प्लॉट करें, तो ये क्या, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, इसे हम लोग रो भी मान लेते हैं, ओके, ये चार्ज, तो देखिए इधर क्या आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ रहा माइनस एक्स पी, ओके, इधर वाला क्या आएगा, इधर नीचे, इधर हम लोग ने क्या लिखा, हम लोग मान लेते हैं जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ओके, डिप्लेशन विड्थ हमारे मान लेते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट डोपिंग हम लोग ले लेते हैं, पी में जो डोपिंग है एन में उतना ही है, क्योंकि जो डिप्लेशन विड्थ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डोपिंग पे डिपेंड करता है, ओके, डोपिंग पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे। तो इधर हम लोग मान लेते हैं कि इधर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज था तो हम लोग ने नीचे डिनोट कर दिया नेगेटिव एक्सिस में, और जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हम लोग ने क्या किया, ऊपर डिनोट कर दिया। तो इसको मान लेते हैं माइनस क्यू एन ए, इसको मान लेते हैं क्यू एन डी, तो ये प्लस क्यू एन डी हो जाएगा, ये माइनस क्यू एन ए हो जाएगा, ओके, तो मतलब जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, हम ये मान के चल रहे हैं, ओके, मींस जो ये एरिया होगा और नीचे वाला एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ओके, जो ये एरिया है और ऊपर वाला एरिया हम लोग ने क्या मान लिया कि सेम है, नीचे वाला जो एरिया है और ऊपर का एरिया सेम है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं इक्विवेलेंट डोपिंग है, और इक्विवेलेंट डोपिंग अगर है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ओके, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है अगर हम लोग मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज है क्यू एन डी एक्स एन, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू एन ए और एक्स पी, क्लियर है, तो क्यू से क्यू कट गया, तो एन डी इंटू एक्स एन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एन ए इंटू एक्स पी, तो एक्स एन अपॉन एक्स पी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन डी, ये लिख सकते हैं, एक्स एन अपॉन एक्स पी इक्वल्स टू एक्स एन अपॉन एक्स पी इज इक्वल्स टू व्हाट, एन ए अपॉन एन डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया एक्स एन अपॉन एक्स पी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन डी, एक्स एन अपॉन एक्स पी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन डी, ओके, एक्स एन अपॉन एक्स पी कितना आ गया हमारे पास, एन ए अपॉन एन डी आ गया। अब हमें पता है कि जो हमारा एक्स एन होता है, एक्स एन जो हो जाएगा यहाँ से, एक्स एन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन डी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए है, तो एक्स एन इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू डब्लू, ओके, एक्स एन कितना आ जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू डब्लू, और ये कहाँ से आया ये आप हमें बताएंगे, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप बस मैथमेटिक्स का यूज़ करना है, मैथमेटिक्स का यूज़ करके आपको ये बताना है कि ये कैसे आया, ठीक है, ओके, आपको ये बताना है कि ये कैसे आया, एक्स एन इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू डब्लू, बस सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करना है और आपको बताना है कि ये कैसे आया, ओके,
सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करना है और इससे आपको ये डिराइव करना है कि ये कैसे आया। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एक्स ऑफ पी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू डब्लू। ओके, आपको तो आप दोनों पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, एक्स पी इज इक्वल टू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू डब्लू। तो आपको ये मुझे बताना है कि यहाँ से ये कैसे आया, आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपको आपने ये इस लाइन से इस लाइन ये लाइन कैसे आ गया, ये आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बस सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि ये कैसे आ रहा। ओके, ये कैसे आ रहा, क्लियर है। चलिए, तो ये हम लोग ने देखा कि एक्स एन इक्वल्स टू क्या होता है और एक्स पी इक्वल्स टू क्या होता है। तो हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म किया, पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म किया तो हम लोग ने देखा कि इधर नेगेटिव चार्ज जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज जाता है। तो इधर ये एक्चुअली में क्या करता है, ये डिप्लीशन विड्थ इसको क्यों बोलते हैं, डिप्लीशन विड्थ इसीलिए बोलते हैं कि ये जो चार्ज स्टोरेज है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या करेगा एक्चुअली में, इधर क्या होता है, इधर मेजोरिटी में क्या होता है होल्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और इधर मेजोरिटी में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिवली चार्ज। तो ये इसको फर्दर जो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, इधर से होल्स इधर जा रहा था, तो ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, इसे हम लोग बिल्ट इन इसके वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं। ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था ये क्या करेगा, फर्दर डिफ्यूजन होने से रोकेगा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फर्दर डिफ्यूजन होने से रोकेगा, फर्दर डिफ्यूजन होने से रोकेगा। मींस इधर से जो होल्स इधर जा रहे थे उसे नहीं जाने देगा, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था उसे नहीं जाने देगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फर्दर डिफ्यूजन होने से रोकता। तो ये जो कंसेप्ट था पीएन जंक्शन डायोड का, यहाँ से ये जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं किसी क्लास में डिराइव कर दूंगा। तो W इज इक्वल्स टू होता है टू एप्साइलन वी अपॉन क्यू इंटू वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका रूट ओवर। ओके, इसका रूट ओवर, ओके, तो ये होता है डिप्लीशन विड्थ का। अब ये देखिए, ये हमारा क्या था, ये चार्ज डेंसिटी का, ये चार्ज डेंसिटी का प्लॉट है, ये चार्ज डेंसिटी का प्लॉट है। आप इससे चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्लॉट कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, गॉस लॉ से, गॉस लॉ का यूज़ करके आप कर सकते हैं। हमें पता है कि डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या आता है, रो भी, और डी इज इक्वल्स टू क्या आता है, डी इज इक्वल टू पता है हमें एप्सिलॉन इंटू ई होता है। तो अगर इसे डेल डॉट एप्साइलन इंटू ई लिखे इज इक्वल्स टू रो भी हो गया, तो ये एप्साइलन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, और इसको फिर से इधर ले जाएंगे तो डेल डॉट ई इक्वल्स टू क्या हो गया, रो भी अपॉन एप्साइलन। ओके, तो डी ई अपॉन डी एक्स, रो मीन्स क्या, डेल्टा मीन्स क्या होता है, डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रो भी अपॉन एप्साइलन। तो ई क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो भी अपॉन एप्साइलन इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा आएगा। मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग उस पॉइंट से बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करके आपको निकालना है रो भी को, क्या लिखना है क्यू एन ए, कहाँ से कहाँ तक, जब डब्ल्यू का क्या हो, एक्स क्या हो, माइनस एक्स पी से जीरो तक, जब हमारा एक्स क्या हो, माइनस एक्स पी से जीरो तक हो रहा था, तो हमारा रो भी क्या हो जाएगा, माइनस क्यू एन ए। तो जब आप इसे ड्राइव कीजिएगा तो ये स्लोप नेगेटिव आएगा और ये स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम लोग, ये हो गया रो भी का, इसी में हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर प्लॉट करना चाहें, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्टेंस के साथ। ओके, आप लोग यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, मीन्स ऐसा स्लोप आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा आएगा, प्लॉट कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का प्लॉट जो आएगा वो ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का प्लॉट कैसा आएगा, इस टाइप का कुछ आएगा। क्लियर है,
तो ये हम लोग ने देखा था पीएन जंक्शन का कंसेप्ट, क्या देखा, पीएन जंक्शन का कंसेप्ट देखा। वहाँ पर ये भी देखा कि हम लोग ने जो कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड का प्लॉट किया था, तो फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के करीब होता है, किस में, हमारे एन टाइप सेमी कंडक्टर में। जो फर्मी लेवल होता है वो नीचे होता है, दैट इज बैलेंस बैंड के करीब होता है, किस में, बैलेंस बैंड के करीब होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ये पीएन जंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये पीएन जंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन गेट्स या यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आ सकते हैं। जब मैकेनिकल एंड सिविल वाले स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये 14 मार्क्स का पूछता है, मैकेनिकल एंड सिविल वाले स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इससे इस टॉपिक से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपको इसमें और वीडियोस चाहिए और लेक्चर्स चाहिए, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको गेट और ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी कंसेप्चुअल पॉइंट पूछ देते हैं, इससे काफ़ी कंसेप्चुअल पॉइंट पूछ देगा आपको बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का जो हम लोगों ने प्लॉट बनाया था वो प्लॉट कैसे, उस प्लॉट के बारे में पूछ देगा कि कौन सा प्लॉट, 3-4 प्लॉट दे देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सा सही है, विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, ओके। आपसे पूछ देगा कि ये चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाइए, पीएन जंक्शन है तो चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बनाइए, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट बनाइए। अब आपसे वही मान लीजिए कि पीएन जंक्शन ना देके एनपी जंक्शन दे देता, ये पीएन है, अगर आपसे एनपी दे देता तो ये क्या होता, ये उल्टा होता ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की जगह क्या आता, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या आ जाता, नेगेटिव। ये अगर एनपी जंक्शन रहता तो ये जस्ट ऑपोजिट केस रहता, इधर पॉजिटिव रहता इधर नेगेटिव, तो ये नीचे वाला ऊपर रहता, ऊपर वाला नीचे रहता, और ये जो ये प्लॉट है ये प्लॉट अपर साइड में रहता, ऊपर रहता, ओके, ये वाला प्लॉट क्या रहता, ऊपर रहता, क्लियर है। तो ये अगर पीएन जंक्शन की जगह एनपी जंक्शन होता, तो अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए मैंने पीएन जंक्शन पढ़ाया, आपको आ गया एनपी जंक्शन, तो आपको क्या करना, बस उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देना, ओके। सो आई होप आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ चीज़ें सीखने को तो ज़रूर मिलेंगे, आई कैन गारंटी कि आपने कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी और कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्लियर होंगे, कुछ आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे। अगर आपने पीएन जंक्शन पहले से पढ़ के रखा है तो कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, ओके, कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप प्लीज़ इसके साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, वो किसी भी ब्रांच के हो इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो सारे ब्रांच को यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लेकिन गेट और ईएससी में सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ना है। तो आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ कंसेप्ट सीरीज चल रहा है टेक्नो हेराल्ड चैनल पर, टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, तो यहाँ रोज़ आपको नए नए कंसेप्ट चलने को मिल रहे होंगे। आपने अभी देखा होगा कि पिछले लेक्चर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिला था, उससे पहले हम लोग ने एक और कंसेप्ट डिस्कस किया था, ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो इस तरह से रोज़ नए नए कंसेप्ट या क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे, ओके। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक दिस वीडियो। और आपको अगर किसी टॉपिक पर डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए, अगर हम लोग क्या करेंगे उस लेक्चर पर, उस पॉइंट मतलब उस टॉपिक पर क्वेश्चंस या फिर उस टॉपिक्स पर थ्योरी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू।